टॉप 10 ऑनगोइंग एनिमे टू वॉच इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर के आते ही एनिमे का फॉल सीजन शुरू हो चुका है और इस वाले सीजन के अंदर ढेर सारे न्यू एनिमे जो रिलीज होने वाला है, जिनमें से मोस्ट ऑफ द एनिमे स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर ही रिलीज हो चुका है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा अपने लिस्ट की तरफ। तो आज के हमारे लिस्ट का पहला एनिमे है द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2। इस वाले एनिमे के सेकंड सीजन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि ये वाला एनिमे मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्काई शो में से एक है। क्योंकि इस वाले एनिमे के अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड है और वो कुछ ज्यादा बैडस बंदा है, और साथ ही साथ इस वाला एनिमे का एनिमेशन और इसके अंदर की फाइटिंग आपको एकदम से चुम्मेश्वरी लगेगी। अगर आप कोई ओवर पावर्ड वाला मेन कैरेक्टर वाला एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये वाला एनिमे आपके लिए बना है। नंबर 2, शांग्रीला फ्रंटियर। तो ये वाला एनिमे भी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है। जब आप इस वाला एनिमे का पहला एपिसोड देखोगे तभी से आपको इस वाला एनिमे से कुछ ज्यादा ही लगा हो जाएगा। इस वाला एनिमे के अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको एक टाइप से सारे के सारे ट्रैश गेम को कम्प्लीट करना काफी पसंद है। ऐसे ट्रैश गेम्स जिनके अंदर बहुत सारे बग्स हो, ग्लिचेस हो, जिनको कंप्लीट करने के बाद में अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को कुछ ज्यादा अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन ऐसे एक दिन अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ओवर के अंदर जाता है वहाँ पर और ढूंढता है कि अभी कौन सा नया ट्रैश गेम निकला जिसको वो कंप्लीट करेगा। लेकिन वहीं पर उसको एक नया गेम दिखता है जिसका नाम रहता है शांग्रीला फ्रंटियर। ये वाला गेम अभी न्यू रिलीज हुआ रहता है। तभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चलो इस वाले गेम को एक ट्राई देके देखते हैं। उसके बाद में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसके पास में सारे के सारे ट्रैश गेम को खेलने का एक्सपीरियंस है वो जाके उस वाले गेम के अंदर चला जाता है। अब क्या अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रैश गेम की स्किल्स का यूज करके इस वाले गेम को बीट कर पाएगा? ये सारी चीजें आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये वाला एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। नंबर 3, केंगेन आशिरा सीजन 2। तो ये वाला एनिमे कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुका है। इस वाले एनिमे के सेकंड सीजन का तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि इस वाले एनिमे का जो पहला सीजन है ये पूरी की पूरी आपको बाकी वाली फील देता है। क्योंकि इस वाले एनिमे के अंदर जो ब्रूटल एक्शन है जिसको देखने के बाद में एकदम से मजे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको इस वाला एनिमे का एनिमेशन स्टाइल थोड़ा सा अलग लग सकता है, क्योंकि ये वाला एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ था, इसलिए उन लोग के एनिमेशन स्टाइल थोड़ी सी अलग ही है। लेकिन कुछ एपिसोड देखने के बाद में आपको इस वाले एनिमे के एनिमेशन से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वाले एनिमे के ब्रूटल अरीना बैटल्स देखने के बाद में आपको एकदम से मजे आ जाएंगे। अगर आप कोई खून खराबे से भरे हुए एनिमे की तलाश में हो तो ये वाला एनिमे आपके लिए बना है। नंबर 4, बजर कॉप ग्लूटोनी। तो ये वाला एनिमे भी काफी ज्यादा तगड़ा एनिमे जाने वाला है। स्टार्टिंग में इस वाले एनिमे के अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसके पास में कोई भी ज्यादा स्किल्स नहीं रहती है, और इसी वजह से वो अपनी मैजिकल दुनिया के अंदर लोगों से काफी ज्यादा बुली होता है। उसके खुद के घर वाले उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, और जिस रॉयल फैमिली के लिए वो काम करता रहता है वो लोग भी उसको काफी ज्यादा बुली करते हैं। फिर ऐसे एक दिन अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो की एक लड़की को बचाने के चक्कर में किसी बंदे को मार देता है, तो वहां पर उसकी एक यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से सामने वाला जो बंदा रहेगा जिसको मारेगा उसके सारे के सारे स्टैट्स को कॉपी कर सकता है। उसके बाद में वो इसी स्किल का यूज करके अपना रिवेंज पूरा करता है। ये वाला एनिमे काइंड ऑफ डार्क होने वाला है। नंबर 5, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 3। अगर आप इसी के एनिमे के फैन हो तो आपने इस वाला एनिमे का नाम तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा, या शायद से आपने अभी तक ये वाला एनिमे ऑलरेडी देख ही लिया होगा। इस वाला एनिमे का पहला सीजन तो मुझे काफी ज्यादा तगड़ा लगा था। अगर वही पर बात करें इस वाले एनिमे के सेकंड सीजन की, सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 के अंदर इतनी ज्यादा स्टोरी आगे बढ़ी नहीं थी, बस एक ही मॉन्स्टर को हराने में इन लोगों ने पूरा का पूरा सीजन 2 बर्बाद कर दिया था। लेकिन ओवरऑल ये वाला एनिमे एक बहुत ही बढ़िया वाला इसी का एनिमे है। इसके अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी टाइम टू टाइम काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। नंबर 6, अनडेड अनलक। तो ये वाला एनिमे भी कुछ दिनों में ही रिलीज होने वाला है। इसके अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसके पास में एक टाइप की यूनिक स्किल रहती है, या हम बोल सकते हैं कि वो एक टाइप का कर्स रहता है, क्योंकि अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो किसी भी बंदे को टच करेगा या लिविंग थिंग को टच करेगा उसकी वहां पर ही मौत हो जाती है। इसकी वजह से जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा तंग हो जाता है और सुसाइड करने लग जाता है। लेकिन उसको वहां पर एक बंदा मिल जाता है जो कि कभी नहीं मर सकता, वो एक टाइप का ज़ॉम्बी रहता है। तो अभी फाइनली अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को एक साथी मिल जाता है जिसके साथ वो कभी भी हैंग आउट कर सकता है। लेकिन इन लोग के यूनिकनेस देखने के बाद में उनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन लग जाती है जो लोग इनको हंट करना चाहते हैं। तो अभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट और उसका साथी इन लोगों से कैसे बचते हैं, ये वाला एनिमे एक काइंड ऑफ कॉमेडी एनिमे होने वाला है। नंबर 7, डेड माउंट डेड प्ले सीजन 2। इस वाले एनिमे का पहला सीजन तो काफी ज्यादा बढ़िया गया था। स्टार्टिंग के पहले एपिसोड के अंदर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा सा विलन टाइप दिखा जाता है, जहाँ पर किसी वजह से जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो कि अपने फैंटेसी वर्ल्ड से रियल लाइफ के वर्ल्ड के अंदर रिकनेक्ट हो जाता है। लेकिन रिकनेक्ट होने के बाद में उसको पता चलता है कि वो जिस बंदे के बॉडी में रिकनेक्ट हुआ है उसको अभी अभी किसी ने मारा हुआ रहता है। यहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जैसे ही उसके बॉडी में आता है उसको पता चलता है कि इस वाले बंदे के पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, हर कोई इसको मारना चाहता है। एक टाइप से ये अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए बैड लक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि वो फैंटेसी वर्ल्ड से
रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर रिकनेक्ट हो जाता है, जहाँ पर उसके पास में उसका डार्क मैजिक तो साथ में रहता है। तो अभी कैसे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर का यूज करके उस वाले बंदे को प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस वाले एनिमे का एनिमेशन और उसका एक्शन दोनों के दोनों टॉप नॉच है। अगर आपने अभी तक ये वाला एनिमे नहीं देखा तो आपको इसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नंबर 8, टोक्यो रिवेंजर सीजन 3। तो अगर आप एनिमे को बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपने कभी ना कभी इस वाले एनिमे का नाम सुना ही होगा। टोक्यो रिवेंजर का सीजन 3 कुछ दिनों पहले रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को कभी ट्राई नहीं करा तो आपको इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इस वाले एनिमे के अंदर आपको टाइम ट्रेवल के साथ साथ टोक्यो के गैंग्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ब्रूटल फाइट सीन देखना पसंद है तो ये वाला एनिमे आपके लिए बना है, क्योंकि इस वाले एनिमे के अंदर आपको गैंग्स की फाइट और बहुत ही ज्यादा ब्लड बाथ देखने को मिल जाएगा। नंबर 9, डॉक्टर स्टोन सीजन 2 पार्ट 2। तो अगर आप भी शोनेन और इसे के एनिमे से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपको किसी टाइप का यूनिक एनिमे चाहिए तो ये वाला एनिमे आपके लिए बना है। इस वाले एनिमे के वर्ल्ड के अंदर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी सारी की सारी पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो कि हजारों सालों बाद पत्थर से फिर से इंसान बन जाता है। वहां पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो साइंस की हेल्प से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को फिर से रिस्टोर करेगा। इसके लिए वो अपने दिमाग का यूज करके पूरी की पूरी चीजों को पहले से करने में लग जाता है। वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, बहुत अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बनाता है। एक टाइप से उसका मोटिव रहता है कि फिर से स्टोन एरा से उसको पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को रिस्टोर करना है, जिसके लिए उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट तो ठहरा भाई साइंटिस्ट जीनियस बंदा, तो वो हर एक चीजों का सोल्यूशन निकाल लेता है। इस वाले एनिमे के अंदर आपको दुनिया भर की कॉमेडी देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपको साइंस से रिलेटेड भी स्टफ दिखा जाएगा, जिसको देखने के बाद में आपको साइंस से प्यारी हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एनिमे के अंदर साइंस को भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। नंबर 10, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2। तो ये वाला एनिमे काफी ज्यादा होलसम एनिमे है। इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम फाइट भी देखने को मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके तो आपको इस वाले एनिमे को एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। साइस ऑफ लाइफ एनिमे है तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस खाने के लिए कुछ लेके आ जाओ और सामने लगा दो, क्योंकि ये वाला एनिमे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव वाइब देता है। अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को नहीं देखा है तो आपको इसको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। अगर आपको लोगों को मरते हुए देखना है तो कुछ दिनों बाद अटैक ऑन टाइटन भी वापस आ ही रहा है। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।